दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ राम भाई रगड़ा वाले के यहाँ, और इनके यहाँ मिलता है समोसा रगड़ा, सैंडविच रगड़ा और दाल पकवान। और इनके यहाँ की भीड़ देख के तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इनके यहाँ कितने किलोमीटर से दूर लोग आ रहे हैं। और वैसे रगड़ा की ऐसी अमेजिंग मेकिंग देखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो का लास्ट तक बने रहो। तो दोस्तों अभी देख सकते हो अपने बड़े से थाल में अभी रगड़ा को रिफिल किया जा रहा है, क्योंकि इस देसी चूल्हे में बंद हो रहा है। अब इसको इसके अंदर डाला जाएगा, देख सकते हो इसी हिसाब से रिफिल करते हैं, कम मात्रा में रिफिल करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डाल दिया। तो यहाँ पे जो पूरा एक सपेला अपने जो थाल में रगड़ा का वो पूरा भर दिए है, और इसके ऊपर से धनिया डाल दिया अच्छे से। दोस्तों ये जो देख रहे हो ये है सैंडविच, और इसका रगड़ा अभी डाला जाएगा, सैंडविच रगड़ा बनाया जाएगा, जो कि देख सकते हो सैंडविच जो है उसे अच्छे से कट किया गया है, आपस में ही छोटे छोटे पीसेस में कट किया गया। अब इसके ऊपर से रगड़ा डाला गया, देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये अपना मीठा चटनी हो गया, ये लाल, अच्छा ये लाल तीखा चटनी है, और ये अपना ग्रीन चटनी है जो कि इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छा ये जो डाले अभी सेव डाले, और यहाँ पे प्याज और धनिया वो मिक्स कर दिए इसके ऊपर से। अच्छा तो यहाँ पे जो तैयार होता है वो है सैंडविच रगड़ा, जो कि देख सकते हो पहले जो है सैंडविच को डीप किया गया अच्छे से बिल्कुल अपने रगड़े में, फिर जाके जो चटनी का रिक्वायरमेंट रहता है वो डाला गया है। अब वापस से देख सकते हो वापस से वही सेम प्रोसेस रहेगा। इसका भी 30 रुपीज है ना भैया, तो इसका भी 30 रुपीज है। और रगड़ा रिफिल होता है या? अच्छा तो अगर रगड़ा खत्म होता है आप खाते हो, जैसे जैसे रगड़ा खत्म होता है वैसे वैसे रिफिल होता है, जैसे दाल पकवान में दाल रिफिल होता है। और वापस से प्याज और धनिया डाल के अपना डिश जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो समोसा जो है उसको भी कटिंग किया जा रहा है जो कि अपने प्लेट में, और जिस हिसाब से मैंने आपको सैंडविच का दिखाया था कुछ इसी हिसाब से समोसा को भी इसके अंदर डीप किया जाएगा बहुत ही अच्छा तरीके से, फिर जाके जो चटनी का रिक्वायरमेंट रहेगा वो डाला जाएगा। अच्छा ये समोसा रगड़ा आएगा, देख सकते हो अब इसके अंदर डीप किया जाएगा पहले, अब निकाला जाएगा देख सकते हो, क्योंकि रगड़ा भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से गाढ़ापन है। अब इसके अंदर मीठा चटनी डाला जाएगा, अब ये लाल हो गया जो कि तीखा वाला है, ये अपना ग्रीन चटनी अब जो कि सेम आप सैंडविच में दिखे थे वैसा ही है, और ये सेव डाल दिया, और ये प्याज और धनिया, और यहाँ पे समोसा रगड़ा जो होता है वो कम्प्लीट होता है। दोस्तों देख सकते हो अभी अपने इस बड़े से तवे में देसी घी डाला गया है, देसी घी के ऊपर देख सकते हो अपने ब्रेड है, 4 पीसेस में ब्रेड है, उसको डीप किया जाएगा अच्छे से और सेका जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। दोस्तों यहाँ पे जो अपना सैंडविच रहता है उसको अच्छे से अपने देसी घी में मिलाया गया है, और देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करारा सेप आ रहा है। तो अभी जो है अपने सैंडविच को कटिंग किया जा रहा है, वापिस से कटिंग किया जाएगा, क्योंकि चारों को कटिंग किया जाएगा एक साथ, देख सकते हो अभी और पकाया जाएगा ना भैया। तो अभी और इसे पकाया जाएगा जब तक इसका करारा सेप ना आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये सैंडविच होगा वो कंप्लीट होगा, कुछ इसी हिसाब से इसे सर्व किया जाएगा, जो कि पहले जो मैंने आपको दिखाया था जो कि सैंडविच का जो रहता है रगड़ा वगैरह वो सब मिक्स करके फिर जाके आप अलग से भी खा सकते हो, अगर आपको वैसा ना पसंद हो तो आप इसे डीप करके और रगड़े के साथ भी मजा ले सकते हो और ऐसे भी मजा ले सकते हो। अभी आप इस चूल्हे को देखना, देखिए जो कि कोयला डाला हुआ है, और बार बार इस कोयले को रिफिल किया जाता है और इसे बंद किया जाता है, फिर जाके जो दाल पकवान हो गया, अपना रगड़ा हो गया और समोसा हो गया सभी इसी हिसाब से गर्म होता है। अब देख अब जो दाल है उसे इसमें रिफिल किया जाएगा, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से चने की दाल रहती ना भैया, अपने तो जो दाल है वो चने की, और सबका रेट 30 रुपये ही है ना भैया, तो जो भी आप खाना चाहो सबका रेट 30 रुपये, शायद समोसा रगड़ा खाओ या सैंडविच रगड़ा खाओ या दाल पकवान खाओ सभी का 30 ही है। तो देखिए अब जो बनने जा रहा है वो अपना दाल पकवान है, पकवान देख सकते हो जो कि चूर दिया है, अब इसमें दाल डाला जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रश कर दिया है, और अभी जो है ये छोले छोले अभी ऐड करें जो कि रगड़ा का है पूरा, और ये सेव ये होता है इनका, ये 30 रुपीज का डिश जो कि दाल पकवान बना है।
बहुत ही बढ़िया तरीके से रिफिल कर देगा। मैं आपकी सैंडविच की फीलिंग दिखा देता हूँ, देख सकते हो क्योंकि बाहर से पूरा आपको मसाले आलू का बिल्कुल लेयर दिखाई देगा और जो ब्रेड है वो पूरा ही पूरा करा रहे हैं क्योंकि इनके देसी घी से बना है और समोसा रगड़ा है उसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। मैंने तो वैसे सैंडविच रगड़ा नहीं लिया है, ऐसे ही सैंडविच को जस्ट रगड़ा में डिप करके ही एंजॉय कर सकता हूँ मैं तो। इनका जो रेट है ये है 30-30 rupees, आप जो भी पसंद करना चाहो। तो चलिए इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इनका जो समोसा रगड़ा हुआ है वो काफी शानदार हुआ है, जो रगड़ा हुआ है काफी डीप है और टेस्ट बहुत ही मतलब कह सकते हो शानदार टेस्ट है। और इसलिए आप यहाँ पे भीड़ को ही देख सकते हो, यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है इसी वजह से इनका इतना भीड़ लगा रहता है इसी स्वाद की वजह से। और अभी जो सैंडविच है उसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि पूरा खाया गया सैंडविच देख सकते हो। सौ सठ रुपया खर्चा अगर चार सौ साठ दिया ना भाई, जो रगड़ा है बापू वो चटनी से और भी शानदार लग रहा है, मतलब जो मीठा और जो हरा जितना भी टेस्ट था सब कुछ इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है। यानी जो चटनी डाले वो बहुत ही अच्छे लेवल में डाले हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा डाल दिए कम डाल दिए, बहुत ही अच्छे से डाले हैं। और जो सैंडविच है वो काफ़ी करा रहे हैं और जो अंदर डाला गया इसके अंदर लेयर वो भी बहुत ही अच्छा है। तो मेरे को तो ये डिश बहुत ही अच्छा लगा है और आपको भी ये डिश शायद से बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ की भीड़ देख लो आप, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी कम होती जा रही है लेकिन वापस से भीड़ जो है वो बढ़ती भी जा रही है। डिश तो बहुत ही अच्छा लगा है, बाकी मैं इस वीडियो को यहाँ तक आता हूँ और हाँ इस जगह का एड्रेस बता देता हूँ। तो भाई आपने इस जगह का एड्रेस क्या रहेगा? लाल बहादुर स्कूल है कुंडलिया कॉलेज भीमराव चौक राजकोट। टाइमिंग एक बार बता दीजिए। सुबह 9 से दोपहर 3 तक। अच्छा, तो अगर आप राजकोट आ रहे हो या राजकोट आने की प्लानिंग है तो यहाँ पे एक बार आके विजिट कर लेना, नहीं तो आप कुछ भूल के जाओगे ऐसा समझ लेना। बाकी मैं इस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको इसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और मैं ये एंजॉय करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बाकी देख सकते हो अभी तक भी जो है अपने भैया फ्री नहीं हुए हैं मगर इतने क्राउड में भी उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा था और जो हमें वीडियो बनाने दिया उनके लिए उनको थैंक यू। और बाकी अगर आप भी यहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि जो टेस्ट मिलने वाला है वो वर्थ ही मिलने वाला है, जिस हिसाब से रेट है उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये टेस्ट अच्छा लगने वाला है।